गुड आफ्टरनून सौम्या कैसे हो बेटा हाँ बच्चा लोग कैसे हो आप मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या चलो बढ़िया है तो हम आज पढ़ने वाले हैं अपना फाइलम कॉडेटा का कौन सा ग्रुप याद है ना वर्टेबरेटा और वर्टेबरेटा में हम पढ़ने वाले हैं जॉलेस एनिमल्स के बारे में मैं यहां पर लिखूंगा जॉलेस एनिमल्स पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था बेटा जॉलेस एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन डिविजन कौन सा डिविजन था वो दे आर इंक्लूडेड इन डिविजन एग्नेथा डिविजन एग्नेथा ठीक है जी और डिविजन एग्नेथा में केवल एक क्लास आता है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्लास

ठीक है ना भाई एक मिनट आप वेट करो मैं थोड़ा सा एक डायग्राम ढूंढने वाला बस मिल गया मिल गया मिल गया ये देखिए बेटा ओके आई होप ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा तो सुनते जाओ ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर ectoparasites on ऑन फिशेस मतलब क्लास साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स हैं इस क्लास के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं ये क्या है दे आर एक्टो पैरासाइट्स ऑन फिशेस ध्यान रखियो एक्टो पैरासाइट्स ऑन फिश मतलब इसका ये है कि ये फिशेस की बॉडी के ऊपर चढ़ते हैं और इनके पास देख सकते हो माउथ ये इनका माउथ है भाई माउथ में कोई जॉज नहीं होते बिल फिर क्या इनका माउथ बेटा सक्टोरियल होता है सक्टोरियल समझ सकते हो तुम सक करने वाला माउथ सक्टोरियल माउथ इसी सक्टोरियल माउथ से ये फिश के बॉडी के ऊपर जैसे लीच में होता है ना सकर बिल्कुल इसी तरह इनके पास भी सक्टोरियल या सकर जैसा माउथ होता है इसी से ये फिश के बॉडी को पकड़ के रखते हैं हमने लिखा दे सारे फिश नहीं, कुछ फिशेज के ऊपर ठीक है।, है आप देख सकते हो बेटा डायग्राम में इनकी बॉडी लंबी होती है लंबी बॉडी को हम इलोंगेटेड बॉडी बोल सकते हैं। हैव इलोंगेटेड बॉडी सिलेंड्रिकल इलांगेटेड बॉडी एंड इस इलांगेटेड बॉडी पे सिक्स टू फिफ्टीन पेयर्स ऑफ गिल्सलिट्स होंगे देख सकते हो गिलिट्स लिखा है ऊपर वाले में क्या लिखा है ट्वेल्व पेयर्स ऑफ गिलस्लिट्स और नीचे वाले में लिखा है सेवन पेयर्स ऑफ गिल्सलिट्स ये है ना छोटे छोटे ओपनिंग यस तो देव सिक्स टू फिफ्टीन पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स सिक्स टू फिफ्टीन पेयर ऑफ गिल स्लिट्स और गिलस्लिट्स से यह क्या काम करेंगे गिल स्ल आर में रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन बोले तो ब्रीदिंग गिल स्लिट से ये ब्रीदिंग करेंगे रेस्पिरेशन करेंगे ठीक है ना भाई ओके okay. इनके माउथ में जॉज नहीं होते माउथ इज सक्टोरियल ऊपर में लिखा हूं माउथ इज सक्टोरियल विदाउट एनी जॉस माउथ इज सक्टोरियल विदआउट जॉस जॉस नहीं होते माउथ पे इनकी बॉडी बेटा स्मूथ होती है स्लिपरी बॉडी इज स्लिपरी फिश के जैसे ये दिखते हैं लेकिन फिश इज नहीं होते ये देयर बॉडी इज स्मूथ एंड स्लिपरी इनकी बॉडी बहुत ही स्लिपरी होती है हाथ में पकड़ेंगे तो स्लिप हो जाएगा फिसल जाएगा ठीक है इनमें वर्टरल कॉलम और क्रैनियम ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं क्रैनियम क्रैनियम मतलब हेड हेड दिखाई दे रहा है तुम लोगों को नहीं अगर है भी तो बहुत इल डेवलप्ड है तो क्रैनियम खोपड़ी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रैनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम हम लोगों में वर्टेब्रल कॉलम बेटा बोन्स का बना होता है लेकिन इन लोगों में वर्टेब्रल कॉलम और क्रैनियम ये दोनों चीजें बने होते हैं कार्टिलेज के कंपोज ऑफ कार्टिलेज। शायद तुम लोग को काटलेज के बारे में पता हो नाइन्थ क्लास में टिश्यूज में काटलेज पड़ा हो एक तो बोन्स होते हैं बोन्स आर वेरी टफ हार्ड और दूसरा वो प्लास्टिक के जैसे होते हैं फ्लेक्सिबल भी होते हैं टफ भी होते हैं उनको हम काटलेजेस बोलते हैं ठीक है ना भाई इनका क्रैनियम और वर्टेबरल कॉलम दोनों काटलेजिस का बना होता है हमारा वर्टेबरल कॉलम और क्रैनियम बोन्स का बना होता है याद रखियो देन हम बोलेंगे इनका सर्कुलेटरी सिस्टम या वेस्क्यूलर सिस्टम इनका सर्कुलेटरी सिस्टम बेड़ा क्लोज टाइप ऑफ होता है समझा चुका हूं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप ठीक है जी देन हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे ये मैरीन वाटर में रहते हैं दे आर मैराइन पानी में रहते हैं कौन से पानी में मैरीन वाटर दे आर मैरीन फॉर्म्स ठीक है ना लेकिन ये अंडा देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं दे आर मैरीन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर किस लिए फॉर अंडा देने की प्रोसेस को हम बेटा स्पॉनिंग बोलते हैं या मैं आसान भाषा में लिखूंगा फॉर लेंग एग्स फॉर लेंग एग्स अंडा देने के लिए बेटा स्पॉनिंग ऐसा क्यों मतलब बेटा ये अपनी पूरी जिंदगी मैरीन वॉटर में गुजारते हैं लेकिन जैसे ही इनको बच्चा देना होता है बच्चा मतलब फर्टिलाइज्ड एग फर्टिलाइज एग में अपना sorry, ये fertilized egg marine water में नहीं डाल सकते, वो fertilized egg marine water में जिंदा नहीं रह सकता इनके में में ही ही जाने चाहिए, में ही उनका डेवलपमेंट होता है लार्वल स्टेज निकलता है अगर इन्होंने स्पॉनिंग मैराइन वाटर में किया तो मैराइन वाटर में इनके एग से लार्वल स्टेज निकलेगा ही नहीं इनका रिप्रोडक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा इनके लिए जरूरी है ये मैंडेटरी है क्या दे मस्ट माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर टू ले द एग्स ये एग्स जो देते हैं वो एग्स बेटा कौन से होते हैं द एग्स आर फर्टिलाइज एग्स मतलब इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ है और वही फर्टिलाइज एग्स मैरेन वाटर में नहीं दे पाएंगे इनको फ्रेश वाटर में देना ही पड़ेगा राइट right? ठीक है ना तो मैंने क्या बोला ये मैरीन फॉर्म्स होते हैं बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर लेइंग एग्स अंडा देने के लिए स्पॉनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में आते हैं बेटा इस प्रोसेस को इस चीज को के लिए हम एक टर्म लिखेंगे एक मिनट एक मिनट ध्यान रखें ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स जो मेरेन वाटर में रहेंगे पूरी जिंदगी मेरेन वाटर में गुजारेंगे लेकिन स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में जाएंगे बेटा जी ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स को हम एनाड्रोमस ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे एनाड्रामस तो अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट आर एनाड्रामस एनिमल्स व्हाट आर एनाड्रामस ऑर्गेनिज्म आप यही बोलोगे दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग इन मैरेन वाटर बट एट द टाइम ऑफ स्पॉनिंग दे गो टू फ्रेश वाटर एंड ले दियर एग्स अंडा दिया अंडे से फ्रेश वाटर में लार्वल स्टेज बना लार्वल स्टेज बनने के बाद जो यंग वन निकलेगा वो यंग वन वापस कहां पर आएगा मैरेन वाटर में जिंदगी गुजारने के लिए बस ये फ्रेश वाटर में केवल स्पॉनिंग के लिए ही जाते हैं इन एनिमल्स को हम एनाड्रामस एनिमल्स बोलेंगे एनाड्रामस का अपोजिट वर्ड है बेटा कैटाड्रामस ये यहां पर लिखूंगा मैं कैटाड्रामस इसका उल्टा कैटाड्रामस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स फ्रेश वॉटर यह अपनी पूरी जिंदगी फ्रेश वाटर में गुजारेंगे लेकिन स्पॉनिंग करते वक्त ये मैराइन वॉटर में जाएंगे राइट right? ऐसे वाले एनिमल्स को हम कैटाड्रामस एनिमल्स बोलेंगे बट साइक्लोस्टोम जो है दे आर एनाड्रामस इन नेचर एनाड्रामस का मतलब दे हैव टू गो टू फ्रेश वॉटर टू ले देर एग्स राइट ठीक है ना भाई इसमें कोई दिक्कत है क्या कोई परेशानी नहीं अब एक और चीज सुनो जैसे इन्होंने अंडा दिया स्पॉनिंग किया आफ्टर स्पॉनिंग कुछ दिन के बाद ये मर जाएंगे और फ्रेश वाटर में इनके लार्वी लार्वी निकलेंगे वही लार्वी मेटामोरफोस होंगे और वापस आएंगे मैराइन वाटर में राइट तो आफ्टर स्पॉनिंग आफ्टर लेइंग एग्स दे विल डाई मैं यहां लिखूंगा दे डाई आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई आफ्टर स्पॉनिंग सो जो इन्होंने अंडा दिया था फ्रेश वाटर में उस अंडे से बेटा लार्वल स्टेज निकला लार्वल स्टेज मतलब इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा वही लार्वा का मेटामोरफोसिस होगा मैंने लास्ट टाइम आपको मेटामोरफोसिस बताया था ऐसा प्रोसेस जब लार्वल स्टेज में काफी सारे चेंजेस होते हैं और वो अडल्ट बनता है एक बार एग ले क्यों करेंगे पहले सुनो तो बेटा जो अडल्ट अडल्ट ऑर्गेनिज्म होगा अडल्ट साइक्लोस्टोम उसने अंडा दिया मैं पहले समझूंगा तुम क्या बोल रहे हो उसने अंडा दिया हाँ कहां पर दिया फ्रेश वाटर में और फ्रेश वाटर में अंडा देने के बाद स्पॉनिंग करने के बाद वो मर जाएगा यस एक बार स्पॉनिंग किया मर गया बाद में उसके अंडे से लार्वा निकला और वो लार्वा क्या काम करेगा उसका मेटाफमोरिस होगा और वो वापस जाएगा मैराइन वाटर में क्लियर है ना इसके बेटा हमने यहां पर दो एग्जाम्पल लिखे दो एग्जाम्पल दिए हैं दो एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखिए ऊपर मैंने लिखा है हैगफ है फिश लिखा है ना हैग फिश ऊपर वाला जो है जिसमें ट्वेल्व पेयर्स ऑफ गिल्सलेट्स होते हैं इट इज हैग फिश हैग फिश का एक और नाम है बेटा इट इज आल्सो नोन एज मिग्जीन मेगजीन जूलॉजिकल नेम मेगजीन कॉमन नेम इसको हैग फिश बोलते हैं और लैम्परे लैम्प्रे लिखा है एल ए पी एम एल एम पी आर वाई लैम्परे तो हैग फिश एंड लैम्परे दे आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ जॉलेस एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड इन क्लास साइक्लोस्टोमेटा ऑफ डिविजन एग्नाथा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना अच्छा एक और चीज मैंने कहा था इनकी बॉडी बहुत ही स्मूथ होती है स्लिपरी होती है तुम लोग फिश देखे हो ना फिश फिश को देखे हो मच्छी हाँ फिश की बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्केल्स लगे होते हैं लगे होते हैं ना स्केल्स लगे होते हैं फिश की बॉडी के ऊपर इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होते दैट इज वाई ये स्मूथ और स्लिपरी होते हैं और फिश की बॉडी में बेड़ा फिंस होते हैं फिन्स पेयर्ड होते हैं इनमें फिन्स पेयर्ड नहीं है फिन है लेकिन वो पेयर्ड कंडीशन में नहीं है ये देखो ये फिन है लेकिन जोड़ियों में नहीं है फिन दे लैक फिन्स राइट तो साइक्लोस्टोम में आप दो एग्जाम्पल याद रखेंगे क्या क्या हैगफिश फिश लैम्प्रे अच्छा लैम्प्रे का जुलॉजिकल नेम देखो इट इज जूलॉजिकली एज पेट्रोमाइजोन पेट्रोमाइजोन राइट right. अब एक काम करो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो hmm. हो गया ना चलिए भाई हम बढ़ते हैं आगे इसके बाद हमारा दूसरा वाला डिवीजन आएगा क्या था वो हां जी क्या था वो सेकंड डिवीजन ऑफ वर्टेब्रेट्स दैट वाज नेथोस्टोमेटा मैं लिखूंगा यहां पर डिवीजन जी साइलेंट रहेगा नेथोस्टोमेटा डिवीजन नेथोस्टोमेटा में दोज एनिमल्स विच हैव जॉस तो इस डिवीजन में आएंगे जॉ बियरिंग एनिमल्स जॉ बियरिंग एनिमल्स राइट डिविजन नेथोस्टोमेटा इज डिवाइडेड इंटू टू सुपर क्लासेस एक था सुपर क्लास स्पाइसेस सुपर क्लास स्पाइसेस सुपर क्लास स्पाइसेस में आते हैं फिश एंड दूसरा वाला था सुपर क्लास टेट्रापोड़ा सुपर क्लास टेट्रापोड़ा सुपर क्लास टेट्रापोडा में चार पांव वाले एनिमल्स आएंगे राइट तो सुपर क्लास स्पाइसिस इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस पहला क्लास क्लास कॉन्ट्रिकीस क्लास कॉन्ड्रिक थीस एंड सेकेंड वन इज क्लास ऑस्टिक थीस ठीक है तो आज हम पहले क्लास कॉन्ड्रिक थीस को डिस्कस करेंगे राइट चलिए भाई सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास कॉन्ड्रिक की क्लास कॉन्ड्रिक में बेटा कार्टिलेजनस फिशेज आते हैं ऐसे वाले फिशेज जिनका एंडोस्केलेटन काटलेजिस का बना हो राइट सो दीज आर नोन एज कार्टिलेजनस फिश क्यों इनको बोलते हैं कार्टिलेजनस फिश क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन बेटा काटलेजिस का बना होता है एंडोस्केलेटन में बता चुका हूं बॉडी में अंदर से जो सपोर्टिव फ्रेमवर्क देगा वही एंडोस्केलेटन है। जैसे हम लोगों का एंडोस्केलेटन बोन्स का बना है बाकी एनिमल्स का का एंडोस्केलेटन बोन्स बना है लेकिन इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है इसलिए इनको कार्टिलेजनस फिश बोलते हैं सो दे आर मैरीन एनिमल्स ये मैरीन वाटर में रहते हैं मैरिन एनिमल्स एंड हैविंग स्ट्रीम लाइंड बॉडी स्ट्रीम लाइंड अब ये स्ट्रीम लाइंड क्या है मैं आपको बताऊंगा इनके पास स्ट्रीम लाइंड बॉडी है बेटा जी स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब एरोप्लेन जैसी बॉडी लाइक दिस कुछ इस तरह ये इसको हम स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोलते राइट right? ठीक है ना अच्छा जी माउथ इज वेंट्रल इन पोजिशन माउथ इज वेंट्रल इन पोजिशन अब ये वेंट्रल क्या होता है मैं बार बार आपको बोला हूं कि डॉर्सल मतलब बैक साइड वेंट्रल मतलब नीचे वाला साइड माउथ इज वेंट्रल इन पोजिशन एक मिनट आपको वेंट्रल माउथ समझाता हूं डायग्राम से एक मिनट बेटा जी <laughs> बस बस हो गया ये देखो बेटा मैं एक आसान सा डायग्राम यहां पर बनाना चाहूंगा देखिए तो क्या मैंने कहा माउथ इज वेंट्रल इन पोजिशन देखो भाई इस डायग्राम में बेटा आपको पता चलेगा ये रहा एनिमल का टिप टिप पे माउथ नहीं है लेकिन माउथ नीचे की तरफ है यहां पर तो अगर ये डॉर्सल सरफेस है दिस इज डोर्सल साइड तो नीचे पेट वाला साइड वेंट्रल हुआ ना

नोटो कार्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ इनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रोनिक स्टेज में भी होता है और अडल्ट स्टेज में भी होता है इसीलिए मैंने लिखा नोटो कार्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ नेक्स्ट गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट गिल कवर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गिल कवर इनमें होता नहीं है गिल स्लिट्स फिश में तो गिलस्लिट्स होंगे ही होंगे नॉट कवर्ड बाय गिल कवर नॉट कवर्ड बाय गिल कवर इनके गिल स्लिट्स के ऊपर गिल कवर नहीं होता आप याद रखेंगे गिल कवर को हम ओपर क्यूलम भी बोलते हैं तो पहला पॉइंट आपने याद रखा इनमें वेंट्रल माउथ होता है दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इनमें गिल कवर यानी कि ओपरक्यूलम भी नहीं होता राइट बेटा जी इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो ग्रेट हम चलते हैं आगे हां जी भाई देखते रहो इनके स्किन के ऊपर स्केल्स लगे होते स्किन इज कवर्ड बाय प्लैकवाइड स्केल्स अब पूछोगे सर ये प्लैकवाइड स्केल्स क्या है बेटा जब तुम लोग हायर स्टडीज करोगे वहां पर तुमको पता चलेगा फिशेस के स्केल्स चार या पांच टाइप्स के होते हैं प्लाकॉइड स्केल्स गैनोइड स्केल्स टीनोइड स्केल्स रोमॉइड स्केल्स एटसेट्रा एटसेट्रा इन कार्टिलेजिनस फिशेस में या कॉन्ड्रिक में प्लाकॉइड टाइप ऑफ स्केल्स होते हैं ठीक है ना तो इनकी स्किन पे इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं स्केल्स आर प्लैक इनके जॉज पावरफुल होते हैं वेरी पावरफुल जॉज एंड दीज एनिमल्स आर प्रोडेशियस दीज एनिमल्स आर प्रोडेशियस प्रोडेशियस मतलब शिकारी नेचर के होते हैं प्रोडेशियस बहुत ही खूंखार होते हैं डरावने होते हैं शिकारी टाइप के होते हैं तो दीज एनिमल्स आर प्रोडेशियस क्यों प्रोडेशियस है बिकॉज इनके जॉज बहुत पावरफुल होते हैं बिकॉज दे हैव पावरफुल जॉज विथ शार्प टीथ पावरफुल जॉज विथ शार्प टीथ अच्छा टीथ के बारे में भी एक बार सुन लो इनके टीथ ना बोन्स के नहीं बने होते इनके टीथ मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स है द टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स बॉडी के ऊपर जो स्केल्स हैं बिल्कुल वैसे ही मॉडिफाइड टाइप ऑफ स्केल्स मुंह में होते हैं जिनको हम टीथ बोलते हैं यही मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स टीथ का काम करते हैं दे आर वेरी शार्प स्ट्रक्चर्स। राइट अब right? देखो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इनमें लंग्स तो होते हैं लेकिन लंग्स होते नहीं है सॉरी क्यों क्योंकि एक्वाटिक है इनमें रेस्पिरेशन ब्रीदिंग वगैरह होती है गिल से राइट right? और इनमें एयर ब्लेडर भी एबसेंट होता है ध्यान से सुनना एयर ब्लेडर Is absent in them. अब ये air क्या है तुम लोग ने बेटा पानी में काफी सारे फिशेज को देखा होगा ठीक है ना ये फिशेज पानी में फ्लोट करते swim करते, कुछ फिशेज पानी के बहुत नीचे होते हैं बॉटम ऑफ द वॉटर बॉडी के होते हैं मतलब सी में होंगे समंदर में होंगे तो बहुत ही बॉटम पे होंगे वो ऊपर आ ही नहीं पाते ऊपर उड़ ऊपर वो स्विमिंग कर ही नहीं पाते लेकिन कुछ फिशेस पानी के ऊपर स्विमिंग करते हैं मतलब ऊपर वाले साइड में राइट right. जो फिशेस पानी के बहुत ऊपर आते हैं स्विमिंग करने के लिए उनके अंदर एक हवा का ब्लेडर होता है एयर ब्लेडर एयर ब्लेडर से वो फ्लोट करते रहते हैं अब इनमें एयर ब्लेडर है ही नहीं तो सीधी सी बात है ये पानी में डूब जाएंगे और सी के बॉटम पे पहुंच जाएंगे वहां पर ये रहते हैं स्विमिंग करते हैं लेकिन एट द बॉटम ऑफ द सी वाई बिकॉज इनमें एयर ब्लेडर एबसेंट होता है अरे आसान सी बात है अगर हम पानी के अंदर घुसेंगे हमको तैरना नहीं आता तो हम डूब जाएंगे ना नीचे लेकिन अगर हम अपने ऊपर एक हवा का ट्यूब हवा का ट्यूब लगाएंगे और ट्यूब के साथ पानी में घुसेंगे तो हम डूबेंगे नहीं सेम कहानी इनके साथ भी है इन फिशेज में एयर ब्लेडर एक हवा का ट्यूब होता ही नहीं है That is why they drown at the bottom of the sea. ठीक है ना समझ रहे हो बात मैंने क्या कहा इनके पास एयर ब्लेडर होता ही नहीं तो ये क्या काम कर सकते हैं ये पानी में डूब सकते हैं बट ये डूबते नहीं वाई बिकॉज दे कीप ऑन स्विमिंग कंटिन्यूसली अगर इन्होंने स्विम करना बंद कर दिया तैरना बंद कर दिया तो उसी टाइम ये पानी में डूब जाएंगे नीचे हाँ अगर इनमें एयर ब्लेडर होता तो तो ये पानी में डूबते नहीं भले ये स्विमिंग ना करते पानी में नहीं, भी नहीं डूबते तो एयर ब्लेडर इनमें है नहीं तो जब भी इन्होंने तैरना बंद कर दिया ये नीचे डूब जाएंगे ठीक है ना सो दे एयर ब्लेडर इन देम इज एबसेंट देयरफॉर फोर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग दे मस्ट स्विम कॉन्स्टेंटली They have to swim constantly to avoid sinking. Sinking मतलब डूब जाना डूबने से बचने के लिए इनको swimming करते ही रहना पड़ेगा बिकॉज इनके पास डूबने से बचाने वाला ऑर्गन नहीं है दैट इज एयर ब्लेडर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ठीक है ना जी चलिए आगे हार्ट हार्ट इनका टू चेम्बर्ड होता है हार्ट इज टू चेम्बर्ड हार्ट इज टू चेम्बर्ड हैविंग वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल बस इधर देखो मान लो लेट ये इनका हार्ट है और हमने बोला हार्ट में दो ही चेंबर्स होते हैं एक ऑरिकल एंड और एक वेंट्रिकल ठीक है ना अब ऑरिकल के अंदर ब्लड आया कहां से आया ब्लड बेटा ये ब्लड बॉडी पार्ट से आया बॉडी ऑर्गन से आया ब्लड बता मुझे बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड आता है ये ब्लड ऑक्सीजिनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड जो एनिमल के बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट की तरफ फ्लो होगा वो ब्लड ऑक्सीजिनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजिनेटेड को हम इम्प्योर भी बोलते हैं लेकिन सही टर्म है ऑक्सीजनेटेड ये ब्लड बेटा जी डी होगा नहीं बिल्कुल भी नहीं ऑक्सीजिनेटेड प्योर ब्लड है ये डिऑक्सीजिनेटेड ब्लड होगा ध्यान से देखियो मैं क्या बोलना चाहता हूं फिश के बॉडी से जो ब्लड आएगा दैट ब्लड विल बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टेंथ क्लास में नहीं पढ़े हो क्या यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया हार्ट में एक ऑरिकल है आरिकल से जाते हुए ये ब्लड पहुंचा वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल ने इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया अब इनके पास लंग्स तो है नहीं दाय ये ब्लड गया किन में गिल्स में गिल्स में इस ब्लड का प्योरिफिकेशन हो गया ऑक्सीजनेशन हो गया और गिल से जो ब्लड निकला दैट ब्लड विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा गिल से राइट right. यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वापस दोबारा हार्ट में नहीं जाएगा यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जाएगा काम खत्म लेकिन अगर तुम लोगों को इंसान का सर्कुलेशन याद होगा डबल सर्कुलेशन हम पढ़ते हैं ना ह्यूमेंस में डबल सर्कुलेशन होता है याद होगा या हायर एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है क्या होता है हार्ट के राइट right आर्कल में आता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से राइट right आर्कल उस डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को डाल देता है राइट right वेंट्रिकल में राइट right वेंट्रिकल से डिऑक्सीजिनेटेड ब्लड बाहर निकलता है और चला जाता है लंग्स में लंग्स में उस डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है वापस कहां पर बॉडी ऑर्गन में नहीं वापस हार्ट में आता है हार्ट के लेफ्ट आर्कल में तो हार्ट के लेफ्ट आर्कल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट ऑरिकल में सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होकर बॉडी ऑर्गन में जाएगा ये पढ़ा है ना या मैं दिखा दूं अगर पढ़ा है तो ठीक नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से यहां पर समझा सकता हूं जल्दी जल्दी बताओ बता दूं पढ़े हैं फिर कोई दिक्कत नहीं ठीक है भाई तो हायर एनिमल्स में हायर एनिमल्स बोले तो ह्यूमन मैमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस एज वेल इन लोग में हार्ट में ब्लड बेटा दो बार जाता है एक बार जाता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरी बार जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना हायर एनिमल्स में हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन होता है यहां पर सीन देखो क्या है हार्ट के अंदर जो ब्लड गया ये ब्लड कौन सा ब्लड था डिऑक्सीजिनेटेड ब्लड यही डिऑक्सीजिनेटेड ब्लड में ऑक्सीजिनेट हो गया और गिल्स से ब्लड निकल के बॉडी ऑर्गन तक पहुंचा मतलब हार्ट में ब्लड एक ही बार फ्लो होता है एंड दैट ब्लड इज डिऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज वाई इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं बेटा यूनि सर्किट सर्कुलेशन यूनि सर्किट सर्कुलेशन यूनि सर्किट सर्कुलेशन इज दैट सर्कुलेशन इन विच ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस एंड विच ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड याद रहे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम वीनस ब्लड भी बोलते हैं यही वीनस ब्लड या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू फ्लो होगा दैट इज वाई इनके हार्ट को हम वीनस हार्ट भी बोलते हैं क्यों क्योंकि इस हार्ट में हमेशा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा वीनस ब्लड ही होगा तो आप याद रखेंगे बेटा फिशेस में फिलहाल तो हम पढ़ रहे हैं कार्टलेजनस फिशेस कार्टलेजनस फिशेस में हार्ट दो का और इस हार्ट में यूनिसर्किट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगा एंड हार्ट विल बी वीनस हार्ट वाई वीनस हार्ट बिकॉज ब्लड के अंदर सॉरी हार्ट के अंदर वीनस ब्लड होगा कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी है क्या नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी जी बेटा स्क्रीनशॉट लिए ना वेरी गुड चलते हैं आगे तो रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग मैंने पहले ही कहा इनमें रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग होती है गिल से राइट right? रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग बोल सकते हैं ऑर्कर्स बाय मीन्स ऑफ गिल्स देन कुछ कार्टलेजनस फिशेज ऐसे भी होते हैं उनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं सम काटलेजनस फिशेज सम मेंबर्स हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स सम मेंबर्स हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन एज वेल कौन से मेंबर्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं बेड़ा उन फिशेस को हम इलेक्ट्रिक रेज बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेज और दे आर आल्सो नोन एज टॉर्पीडो टॉर्पीडो आपको मैं टारपीडो का डायग्राम दिखा सकता वेट कीजिए ये देखिए यहां पर हम टॉर्पिडो का डायग्राम लगाएंगे आई होप आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा यही तो है टॉर्पीडो और इस टॉर्पीडो में यहां पर एक और यहां पर एक वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं दिखाया है दिस इज द इलेक्ट्रिक ऑर्गन इस इलेक्ट्रिक ऑर्गन से ये इलेक्ट्रिक शॉक देता है राइट right? बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रिक ऑर्गन इनको हम इलेक्ट्रिक रेज भी बोलते हैं या जूलॉजिकल नेम पूछो तो जूलॉजिकली देर नोन एज टॉर्पीरो राइट कुछ फिशेज ऐसे भी होते हैं जिनके पास पॉइजन स्टिंग होता है सम मेंबर्स हैव पॉइजन स्टिंग पॉइजन स्टिंग उनके पास कांटा होता है जहरीला कांटा किसके पास एग्जाम्पल में हम लगा सकते हैं स्टिंग रे ऐसी फिशेस को हम स्टिंग रेज बोलते हैं और दे आर नोन एज ट्राइगॉन ट्राइगॉन दिखाते हैं आपको रुकिए। a minute <sighs> ये मैंने लाया यहां पर यहां पर इसको पेस्ट कर देते हैं देखो भाई यह है ट्राइगॉन स्टिंग रे इस स्टिंगरे के पास एंड में यहां पर एक कांटासा होता है देर फोर इट इज नोन एज स्टिंग पॉइजन स्टिंग इज प्रेजेंट इन इट राइट अच्छा जी इन काटलेजनस फिशेस के बारे में और क्या बोलूं? दे आर पाइकिलोथर्मिक इन नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पाइकिलोथर्मिक इन नेचर पाइकिलोथर्मिक इन नेचर आपके किताब पे लिखा है पाइकलोथर्मिक मतलब कोल्ड ब्लडेड एक्चुअल टर्म पाइक्लोथर्मिक है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी है इनको बोलते हैं दे आर पाइक्लोथर्मिक व्हाट इज पाइक्लोथर्मिक पाइक्लोथर्मिक मतलब इनके पास जैसे दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू मुझे बता हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमेंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बताओ हां जी ये नहीं पता अरे इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फारेनहाइट पॉइंट ये हमारा टेम्परेचर ना कांस्टेंट है इनके पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती कि यह अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखे यह अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट राइट तो पाइक्लोथर्मिक एनिमल्स ऐसे वाले एनिमल्स हैं Which lack the capability, they lack the capability to regulate their body temperature. They lack the capability to regulate their body.

अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर जैसा टेम्परेचर एनवायरमेंट में आएगा बिल्कुल उसी हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर बदलते रहते हैं क्यों क्योंकि इनके पास मजबूरी है ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख ही नहीं पाते रेगुलेट ही नहीं कर पाते मजबूरी में ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर बदलते रहते हैं ऐसे वाले एनिमल्स को हम बेटा बोलते हैं पाइक्लोथर्मिक एनिमल्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या इनके लिए एक और टर्म है पाइक्लोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्मिक एनिमल्स मतलब एक्टो मतलब बाहर इनकी बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है बाहर एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर राइट right? इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो ठीक है ना भाई ओके चलता हूं आगे वापस मुझे ये डायग्राम चाहिए एक मिनट ये देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट में बोलने वाला हूं इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं मतलब मेल अलग फीमेल अलग सेक्सेस आर सेपरेट इसका मतलब सेक्सुअल डायमोरफिज्म होगा सेक्सुअल डायमोरफिज्म मतलब मेल फॉर्म अलग फीमेल फॉर्म अलग राइट सेक्सेस आर सेपरेट मेल्स में इन मेल्स फिंसर क्लासपर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ढूंढेंगे पहले ये देखिए माउथ ये के पास वाली जो फिंस है इनको हम बोलेंगे पेक्टोरल फिंस वन पेयर ऑफ पेक्टोरल फिंस होते हैं यहां पर पेल्विक फिन्स ये देखो एक दिखाया है लेकिन दूसरे साइड में दूसरा होगा वन पेयर ऑफ पेल्विक फिंस राइट और ये फिन है या टेल और दो होते हैं एक फिन होता है क्या क्या मैंने कहा इनमें मतलब जो होगा डॉर्सलफिन अलग अलग होते हैं जोड़ी में नहीं होते फिन अलग होता है और फिन अकेला होता है अलग तो पेल्विक फिन्स ये वाले फिंस के पास में सेक्सेस आर सेपरेट इन मेल्स पेल्विक फिन्स कॉपलेट्री ऑर्गन ध्यान रहे कॉपलेट्री ऑर्गन मतलब जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा जैसे ह्यूमन मेल्स में पेनिस होता है बिल्कुल इनमें भी वही होता है पेल्विक फिंस के पास कॉपलेट्री ऑर्गन होते हैं नोन एज क्लास्पर्स इनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स वाले ऑर्गन को पेनिस नहीं बोलते फिर क्या बोलते हैं क्लासपर्स मेल्स में क्लासपर्स होते हैं तो मेल अपने क्लासपर्स से फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा फीमेल के अंदर स्पर्मेटोजुआ डालेगा और फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा मतलब यह है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा फर्टिलाइजेशन विल बी इंटरनल राइट ठीक है ना मोस्ट ऑफ देम आर ओवी पैरस इंपॉर्टेंट पॉइंट मोस्ट आर ओवी पैरस ओवी पैरस मतलब अंडा देंगे कौन सा अंडा इट विल बी अ फर्टिलाइज एग फर्टिलाइज एग एक मिनट बेटा हाँ जी तो मैंने क्या कहा मोस्ट ऑफ देम आर ओवीपेरस फर्टिलाइज एग ये ले करेंगे लेकिन इनमें कुछ विविपैरस भी होते हैं फ्यू ऑफ दर विपरस एज वेल फ्यू आर विविपैरस विविपैरस मतलब वो अंडा नहीं देंगे वो बच्चे को जन्म देंगे राइट एग्जाम्पल्स में लिखूंगा सबसे पहले स्कॉलियोडॉन 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 इज कॉमनली नोन एज डॉग फिश ये जो यहां पर डायग्राम बनाया है ये स्कॉलियोडॉन का ही है डॉग फिश इसको डॉग फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास लंबा सा स्नाउट होता है और इसमें सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग है कुत्ते की तरह

दिस इज द ग्रेट वाइट शार्क ग्रेट वाइट शार्क देन ट्राइगॉन अभी अभी ट्राइगान के बारे में बोला ट्राइगान इज वट स्टिंग रे आप टॉर्पिडो भी लिख सकते हो टॉरपीडो इज इलेक्ट्रिक रिक तो ये थी कहानी किनकी कार्टिलेजनस फिशेस की जिनको हम थीस बोलते हैं एक और पॉइंट याद रखे कार्टिलेजनस फिशेस कॉन्ड्रिक थीस दे आर ऑल्सो नोन एज इलासमोब्रैंक्स मैं अलग कलर से लिखूंगा दे आर ऑल्सो नोन एज इलासमोब्रैंक्स राइट लिखूंगा इलास्मो ब्रैंक्स या इलास्मो ब्रैंक फिशेस बोलो वो भी चलेगा तो काटलेजनस फिशेस और ब्रैंक्स और ये था पहला क्लास फिशेस का और पाइसिस का बेटा आप स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो हम बताएंगे ऑस्टिक के बारे में चलिए नेक्स्ट वन इज ऑस्टिक थीस ऑस्टिक थीज इंक्लूड्स बोनी फिश बोनी फिश मीन्स ऐसे वाले फिश जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना है ऑस्टिक थीस दे आर नोन एज बोनी फिश वाई बोनी फिश बिकॉज दे आर एंडोस्केलेटन इज कंपोज ऑफ बोन्स एंडोस्केलेटन इज कंपोज ऑफ बोन्स राइट देखो कॉन्ड्रिक में हमने लिखा था मैरीन मेंबर्स होते हैं इसमें दोनों होते हैं it includes both freshwater fish as well as marine fish right both marine as well as freshwater forms are present in this group marine as well as freshwater forms is group of fish mehote right अगेन इनकी बॉडी स्ट्रीम होती है देयर बॉडी इज स्ट्रीम बॉडी इज स्ट्रीम लाइंड बॉडी स्ट्रीमलाइन बेटा क्यों होती है फिशेस में क्योंकि इनको पानी में तैरना होता है ना अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होगी तो वाटर से इनको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा ये तैर नहीं पाएंगे यही तो रीजन है ना हमारा जो एरोप्लेन होता है एरोप्लेन का बॉडी भी स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है क्यों क्योंकि उनको हवा में तैरना होता है हवा से फ्रिक्शन कम मिलेगी अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी उनको मूव करने में आसानी होती है इसीलिए फिशेस का बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है स्ट्रीमलाइंड बॉडी से मूव करने में इजी होता है बिकॉज स्ट्रीमलाइंड बॉडी को कम फ्रिक्शन महसूस महसूस होती है राइट चलिए दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स फोर पेयर्स ऑफ गिल स्लिप्स फोर पेयर्स ऑफ गिल्स या गिल गिल्सलेट्स कवर्ड बाई अ गिल कवर कवर्ड बाई अल कवर पिछले वाले क्लास में मैंने बोला था गिल कवर एबसेंट यहां पर गिल कवर प्रेजेंट होता है गिल कवर इज नोन एज ओपर क्यूलम। तो इनके गिल्स के ऊपर ओपर क्यूलम होता है पिछले वाले क्लास में मैंने कहा था माउथ इज वेंट्रल। यहां पर हम बोलेंगे माउथ इज मोस्टली टर्मिनल माउथ मोस्टली टर्मिनल ज्यादातर ऑस्टिक में माउथ टर्मिनल होता है मोस्टली टर्मिनल नेक्स्ट पॉइंट इनका स्किन कवर्ड विद स्केल्स वहां पर प्लेकवाइड स्केल्स लिखा था यहां दूसरा टाइप लिखेंगे स्किन covered with cycloid और टीनॉइड c silent रहेगा टी scales. स्केल वहां पर मैंने एयर ब्लेडर एबसेंट लिखा था यहां पर एयर ब्लेडर प्रेजेंट एयर ब्लेडर इज प्रेजेंट अब इनमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट है तो अगर ये स्विमिंग भी नहीं करेंगे तब भी ये पानी में डूबेंगे नहीं क्यों क्योंकि एयर ब्लेडर इनको अपवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करता है तो एयर ब्लेडर क्या काम करेगा एयर ब्लेडर इज प्रेजेंट इट प्रोवाइड्स अपवर्ड थ्रस्ट सच दैट दे रिमेन फ्लोटिंग इन वाटर राइट हार्ट इज टू चेंबर्स अगेन हार्ट में फिर फिर से दो चेंबर्स एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल और वही यूनि सर्कुलेशन यून सर्किट सर्कुलेशन इनके हार्ट को भी वीनस हार्ट बोलेंगे क्योंकि हार्ट में सिर्फ और सिर्फ डिऑक्सीजेनेटेड ब्लड ही फ्लो होगा राइट right है ना अगेन दे आर कोल्ड ब्लडेड शाबाश कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हमने क्या कहा पाइक्लोथर्मिक एनिमल्स पाइक्लोथर्मिक के लिए एक और टर्म है और हम बोल सकते हैं एक्टोथर्मिक फिर से वही इनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता मेंटेन नहीं रहता ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द इज इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट ठीक है अगेन इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते सेक्सेस सेपरेट मेल अलग फीमेल अलग राइट हां जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होती है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल भाई क्यों फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल क्यों है अरे भाई सीधी सी बात है जो मेल होता है ना मेल के पास सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए ऑर्गन्स होते ही नहीं है जैसे हमने कॉन्ट्रिक में कहा मेल्स में पेल्विक फिंस के पास क्लास्पर्स होते हैं और क्लासपर्स ही से वो फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा फीमेल के अंदर स्पर्ब डालेगा अब यहां पर मेल अलग तो है लेकिन मेल के पास क्लास्पर्स है ही नहीं मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे कर पाएगा इसलिए फीमेल ना अनफर्टिलाइज्ड एग बाहर फेंकती है उस अनफर्टिलाइज्ड एग का फर्टिलाइजेशन बाहर होता है पानी में समझ रहे हो बात फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल वाई बिकॉज मेल्स लैक क्लासपर्स मेल्स लैक क्लास्पर्स है ना अच्छा पॉइंट ये मेल्स लैक क्लासपर्स ठीक है दे आर ओविपैरस हमेशा ये ओविपैरस ही रहेंगे अंडा ही देंगे ये विविपैरस नहीं हो सकते ओविपेरस दे विल प्रोवाइड विच एग्स अनफर्टिलाइज एग्स क्योंकि फर्टिलाइज एग्स तभी बनेंगे जब मेल फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा यहां पर वो सीन है ही नहीं तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स आर ओवीपेरस एंड प्रोड्यूस अनफर्टिलाइज एग्स राइट इनका डेवलपमेंट भी डा डायरेक्ट कोई लारवल स्टेज नहीं और यह डेवलपमेंट एक्सटर्नल ही होगी डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल एंड डायरेक्ट वहां पर कॉन्ट्रेक्ट थी क्या था वहां पर डेवलपमेंट भी वहां पर भी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती थी लेकिन वो डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती थी हां बट बट फर्टिलाइजेशन वॉज इंटरनल यहां पर फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल और डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल कॉन्ट्रिक में फर्टिलाइजेशन इंटरनल लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल ठीक है ना अब कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे लेकिन फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो दूसरे पेज पे एग्जाम्पल बताऊंगा हाँ बंटी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे हाँ बंटी स्क्रीनशॉट ले लो ग्रेट वेट करो थोड़ा सा मैं डायग्राम ढूंढ के लाता हूं हां जी पहले हम लिखेंगे एग्जाम्पल बाद में एक एक करके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स का हम डायग्राम बताएंगे सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सोसीटस कॉमन नेम इज फ्लाइंग फिश अब फिश फ्लाई कर सकती है क्या बिल्कुल एक्सोसीटस एक फ्लाइंग फिश है बेटा इसका जो पेक्टोरल फिन होता है ना पेक्टोरल फिन इज मॉडिफाइड इनटू विंग लाइक स्ट्रक्चर्स उनसे ये ग्लाइड कर सकती है पूरा उड़ नहीं सकती है. जंप मार सकती है मतलब एक दो फीट उड़ेगी बस काम खत्म मैं आपको एक्सोसीटस का एग्जाम ड्राइ दिखाता हूं हां जी ये रही हमारी एक्सोसीटस बताओ कितनी खूबसूरत फिश है ये है ना यस इसको हम फ्लाइंग फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो पेक्टोरल फिंस होते हैं देख लो अभी मैंने कहा पेक्टोरल फिंस कहां पर होते हैं ये ये रहा पेक्टोरल फिन इसके पेक्टोरल फिंस मॉडिफाई हो चुके हैं इन टू विंग लाइक स्ट्रक्चर दीज पेक्टोरल फिंस विच बीन मॉडिफाइड इन टू विंग लाइक स्ट्रक्चर हेल्प दिस फिश टू ग्लाइड टू समिस्टेंसेज बट पूरा ये बर्ड्स के जैसे लंबा लंबा डिस्टेंसेस कवर नहीं कर सकते ये कुछ डिस्टेंस तक एक आध फीट एक दो फीट ग्लाइड कर सकते हैं बस दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखो एक्सोसीटस के बाद हिपो कैंपस कैंपस आपके एनसीआरटी बुक में डायग्राम दिया है हिपो कैंपस का हिप्पो कैंपस इज कॉमनली नोन एज सी हॉर्स फिर भी मैं डायग्राम लेके आऊंगा वेट कीजिए ये मैंने डायग्राम लाया यहां पर हिपो कैंपस के डायग्राम को पेस्ट कर देते हैं हां हॉर्स उसको बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ना घोड़े के जैसा होता है आप देख सकते हो बेटा अब बताओ दिस इज हिपो कैंपस सी हॉर्स बेटा जी इसमें एक खास बात है हिपो कैंपस या सी हॉर्स को हम बोलते हैं प्रेग्नेंट मेल याद रखियो प्रेग्नेंट मेल ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि जब फीमेल अंडे देती है ना अनफर्टिलाइज एग्स उन अनफर्टिलाइज एग्स का बाद में बाहर पानी में फर्टिलाइजेशन हो गया ये फीमेल उन फर्टिलाइज एग्स को उठा के रखती है मेल के बॉडी में मेल में यहां पर इसके बॉडी में यहां पर एक पाउच होता है उस पाउच को बेटा ब्रूड पाउच बोलते हैं और वो फर्टिलाइज्ड एग्स इसी ब्रूड पाउच में रहते हैं तब तक जब तक उन फर्टिलाइज एग से क्या नहीं निकलेगा बच्चे नहीं निकलेंगे और फिर मेल की बॉडी से ही जब वो पूरी तरह से डेवलप होंगे तो मेल की बॉडी से ही उनका आ, मतलब वो बाहर निकलते दैट इज वाई मेल को यहां पर बोला जाता है प्रेग्नेंट मेल बिकॉज मेल हैज ब्रूड पाउच जिसमें फर्टिलाइज एग्स का होता है डेवलपमेंट राइट right? मैं तीसरा एग्जाम्पल लिखो अच्छा एक और एक और बात ये दोनों एग्जांपल्स मैंने जो लिखे एक्सोसीटस और हिपो कैंपस बोथ आर मैरीन वाटर फॉर्म्स बोथ आर मैरीन वाटर फॉर्म्स ये रहते हैं मैरीन वाटर में राइट कुछ और एग्जाम्पल्स लिखता हूं लैबियो लैबियो द कॉमन नेम इज रोहू फिश वही फिश है रोहू फिश जिसको हम खाते हैं कटला इसको भी खाया जाता है क्लैरियस इट इज ऑल्सो एडेबल इसको कॉमनली हम बोलते हैं मगूर ठीक है ना भाई ये सारे फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं फ्रेश वॉटर फॉर्म्स और भी है कुछ बेटा इसको हम बोलते हैं फाइटिंग फिश टेरोफाइलम पी साइलेंट रहेगा टेरोफाइलम मनली नोन एज एंजल फिश ये दोनों फिशेस ऐसे हैं विच आर कैप्टन एक्वेरियम्स। एक्वेरियम जानते हो वो ग्लास का टैंकर जिसमें फिश रखे जाते हैं उसको एक्वेरियम बोलता है दीज टू आर एक्वेरियम फिश प्लस इन सबके बावजूद इन सबके बाद मैं आपको एक और फिश का नाम बताने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट गैम्बूसिया फिश गैम्बूसिया फिश याद रखियो ये एक लार्वी वोरस फिश है लार्वी वोरस फिश लार्वी वोरस फिश का मतलब क्या है इट फीड्स अपॉन मॉस्टो लार्वी फीड्स अपॉन मॉस्किटो लार्वी फिश को हम मच्छर कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं देखो यूजली मस्किटोस कहां पर बनते हैं वाटर बॉडीज में जहां पर पानी जमा हो गया हो वहां से मच्छर निकलते हैं बहुत सारे क्यों क्योंकि मच्छर वहां पर अंडा दिया उसी अंडे से लार्वी निकले ये गैम्बोजिया फिश को अगर ऐसी वाटर बॉडीज में डाला जाए तो गैम्बोजिया फिश उन लार्वी को एकदम से चट करेगी लार्वी खत्म मच्छर का पॉपुलेशन बढ़ेगा ही नहीं मच्छर का पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा तो मलेरिया से मुक्ति मिल जाएगी तो गैम्बोजिया फिश इज अवी वोरस फिश इट कैन फीड अपॉन मॉस्टो लार्वी एंड इट कैन बी यूज टू कंट्रोल मलेरिया हाउ बिकॉज मलेरिया मस्कीटो से ही फैलता है ठीक है ना भाई इतना क्लियर है ना तो एक काम करो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी बेटा जी ग्रेट हां बंटी कहां चले गए हाँ बंटी स्क्रीन शॉट ले लो बेटा चलो भाई ऑलमोस्ट हमारा पाइसेस वाला क्लास खत्म हो चुका है सुपर क्लास पाइसेस बस थोड़ा सा तीन चार पॉइंट में और बोलना चाहता हूं इंपॉर्टेंट वाले थोड़ा सा धैर्य रखो एक मिनट एक मिनट हां जी एक फिश है उस फिश का नाम है काइमेरा मेरा इट इज ऑल्सो नोन एज रैट फिश इसके बारे में कुछ खास है खास क्या है बेटा है तो ये काटलेजनस फिश इट इज अटलेजनस फिश बट इसमें कुछ बोनी फिश के भी कैरेक्टर्स बट इट हैज ओपरक्यूलम has... बताओ काटलेजनस फिश में ओपरक्यूलम होता है क्या नहीं इट हैज ओपरक्यूलम लाइक बोनी फिश ओपरक्यूलम गिल कवर है ना तो कायमेरा इज अ कार्टिलेजनस फिश बट लाइक बोनी फिश इट पजेस द गिल कवर दैट इज ओपरक्यूलर ये हुआ एक पॉइंट दूसरा पॉइंट बेटा आप याद रखेंगे लंग फिशेस। लंग फिशेस दे आर ऑल्सो नोन एज डिपनोई फिशेस अब भाई फिश में तो लंग होते नहीं है उनमें तो ब्रीदिंग गिल से होता है फिर ये क्या सीन है, है बेटा कुछ फिश ऐसे मैं कुछ नाम लिखूंगा सेराटोडस नियोसेराटोडस एंड प्रोटोपटेरस ये तीनों लंग फिशेस हैं सेराटोडस इज द अमेरिकन लंग फिश इनमें लंग्स भी होते हैं नियोसेराटोडस इट इज द ऑस्ट्रेलियन लंग फिश लंग होते हैं या लंग्स के जैसे कुछ होते हैं आप ये बोल सकते हो एंड प्रोटॉप टेरस इज द अफ्रीकन लंग फिश अब देखो यहां पर सीन क्या है फिशेज में लंग्स होते नहीं लेकिन ये ऐसे फिशेस हैं इनमें लंग रेस्पिरेशन होता है बिल्कुल ये कैरेक्टर इनका किसके जैसे है इसके बाद हम एम्फीबियंस पढ़ने वाले हैं एम्फीबियंस में ब्रीदिंग होती है लंग्स की वजह से तो इन लंग फिशेस का ये वाला कैरेक्टर एम्फीबियंस के जैसा है दैट इज वाई दे आर समटाइम्स नोन एज अंकल्स ऑफ एम्फीबियंस अंकल्स ऑफ एम्फीबियंस मतलब कहने का यह है कि अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो वी कैन से कि एम्फीबियंस फिशेस से ऑरिजिनेट हुए होंगे शायद इसका प्रूफ है बेटा क्या प्रूफ है कुछ फिशेस हैं जिनमें लंग्स भी होते हैं उनमें लंग्स कैसे आए एवोल्यूशन हो गया चेंजेस हो गई लंग्स बन गए लेकिन उसके बाद उनका एवोल्यूशन उनका चेंज रुक गया वो फिश के फिश ही रहे बट एक या दो या तीन फीचर्स उनके एम्फीबियंस के जैसे आ गए दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कि ये जो ये connecting links है लंग फिशे दे आर द कनेक्टिंग लिंक्स दे आर कनेक्टिंग लिंक्स किन के बीच बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस ये कनेक्टिंग लिंक्स है बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस क्यों क्योंकि इनमें एम्फीबियंस का भी एक कैरेक्टर है कौन सा दे पॉज लंग रेस्पिरेशन एज वेल राइट ठीक है ना भाई एक काम करो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका और डन कर दो ओके तो ये थी कहानी हमारे साइक्लोस्टोम्स की और पाइसिस की सुपर क्लास पाइसिस हमने कंप्लीट किया और हमने कंप्लीट किया क्लास साइक्लोस्टोमेटा इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा और सुपर क्लास टेट्रापोडा में सबसे पहले आएगा एम्फीबियंस देन रेप्टाइल्स देन बर्ड्स एंड देन मैमल्स बेटा वो हम अगली क्लास में देखेंगे आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में ठीक है ना ओके बाय बाय बेटा टेक केयर